और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की उदया तिथि पूर्णिमा और सोमवार का दिन है। पूर्णिमा तिथि आज दोपहर 3 बजे तक ही रहेगी, उसके बाद प्रतिपदा लग जाएगी। इसके अलावा आज सुबह 10:46 से कल दोपहर पहले 11:08 तक सिद्ध योग रहेगा। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 8:31 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा। और अब आज की विशेष चर्चा। आज मानदेय चंद्र ग्रहण है, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक ही सीध में होते हैं, या कहें चंद्रमा पृथ्वी के ठीक पीछे उसकी प्रच्छाया में आ जाता है, तब चंद्र ग्रहण लगता है। मानदेय चंद्र ग्रहण में चंद्रमा का 83% भाग पृथ्वी की धूसर छाया से होकर गुजरेगा। यहां आपको बता दूं कि मानदेय चंद्र ग्रहण में चंद्रमा का कोई भी भाग ग्रहण ग्रस्त नहीं होता, इसलिए इस ग्रहण की कोई धार्मिक मान्यता नहीं है। इसके अलावा यह चंद्र ग्रहण वृष राशि और रोहिणी नक्षत्र पर लगेगा। आज के दिन मानदेय चंद्र ग्रहण ठीक दोपहर 1:02 पर शुरू होगा। इसका मध्यकाल दोपहर 3:12 पर होगा और शाम 5:23 पर समाप्त हो जाएगा। लिहाजा ये ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, जबकि पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका के भागों में दिखाई देगा। इसके अलावा ग्रहण का सूतक काल आज सुबह 4:02 पर लग चुका है और चंद्रग्रहण का सूतक ग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पहले लगता है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि मानदेय चंद्र ग्रहण में चंद्रमा का कोई भी भाग ग्रहण ग्रस्त नहीं होता, लिहाजा इसके सूतक में किसी भी चीज़ की मनाही नहीं होती, आप सभी कार्य कर सकते हैं। इस चंद्रग्रहण से सभी राशियों पर क्या प्रभाव होगा, ये किस स्थान पर लगा है, आपको अपनी राशि के अनुसार क्या उपाय करने चाहिए, आइए इसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि वालों, ये ग्रहण आपके दूसरे स्थान पर लगा है और कुंडली में दूसरा स्थान धन से, आर्थिक स्थिति, कमाई, परिवार, ससुराल से संबंध रखता है, कुटुंब से संबंध रखता है। साथ ही आपकी अपनी ताकत, आज़ादी, बोलने की शक्ति, आपके खानपान और धातु तथा रत्न आदि से भी संबंध रखता है। कुछ लोग ससुराल छठे घर से देखते हैं। इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव से आपको अपनी मेहनत के अनुसार धन लाभ जरूर होगा। आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, कमाई का नया साधन मिल सकता है। धातु और रत्न आदि से जुड़े लोगों को इस ग्रहण से काफ़ी अच्छे लाभ मिल सकते हैं। आप हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे। खानपान का ख्याल रखने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। परिवार और ससुराल पक्ष से सहयोग मिलेगा। चंद्र ग्रहण के शुभ फल पाने के लिए आपको भैरवनाथ की उपासना करनी चाहिए। वृष राशि वालों, ये ग्रहण आपके पहले स्थान पर लगा है और कुंडली में पहला स्थान शरीर, प्रेम संबंध, मान सम्मान, धर्म से संबंध रखता है। इसके अलावा आपकी योग्यता, जीवन में खुशियाँ, स्मरण शक्ति, मनोस्थिति, चेहरे से भी इस स्थान का संबंध है। चंद्र ग्रहण के प्रभाव से शरीर में कोई परेशानी हो सकती है, मुख्य रूप से आपको अपने चेहरे का खास ख्याल रखना चाहिए। इस दौरान मन विचलित हो सकता है, आप अपनी योग्यता का उचित फायदा उठा पाने में असमर्थ रहेंगे। सुख की कमी महसूस हो सकती है, किसी चीज़ को रखकर भूल सकते हैं। इस दौरान धर्म के प्रति आपकी आस्था कुछ कम हो सकती है। तो इन सब चीज़ों में बेहतरी पाने के लिए, मान सम्मान पाने के लिए आपको खुद कोशिशें करनी पड़ेंगी। प्रेम संबंधों में थोड़ी नरमी बरतिए, चंद्रमा के अशुभ फलों से बचने और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए आपको माता महाकाली की उपासना करनी चाहिए। मिथुन राशि वालों, ये ग्रहण आपके 12वें स्थान पर लगा है और कुंडली में 12वां स्थान शैया सुख, विदेश यात्रा और व्यय से संबंध रखता है। इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव से आपको शैया सुख का लाभ पाने में थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति कुछ डवाडोल हो सकती है, किसी विदेश यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है, शत्रु सर उठा सकते हैं। पैसों के मामले में सावधानी बरतनी चाहिए, लेन देन से बचना चाहिए, खर्चों पर कंट्रोल करना चाहिए। अतः चंद्र ग्रहण के अशुभ फलों से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए आपको हनुमान जी को स्मरण करना चाहिए। कर्क राशि वालों, ये ग्रहण आपके 11वें स्थान पर लगा है और कुंडली में 11वां स्थान मुख्य रूप से आमदनी और कामना पूर्ति से संबंध रखता है। साथ ही इस स्थान का संबंध पिता की संपत्ति, आपकी प्रसन्नता, उच्च पद, क्रय विक्रय और हाथी घोड़े से है। इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव से आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको जल्द ही किसी उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होना निश्चित है। आपको पिता की संपत्ति से लाभ मिलेगा, खुशी बनी रहेगी। जिनके पास हाथी या घोड़े हैं उन लोगों को विशेष रूप से इस ग्रहण के लाभ मिलेंगे। अतः चंद्रग्रहण के शुभ फलों की प्राप्ति के लिए आपको माता महालक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए।
सिंह राशि वालों, ये ग्रहण आपके दसवें स्थान पर लगा है और कुंडली में दसवां स्थान आपके करियर से और आपके पिता की तरक्की से संबंध रखता है। साथ ही इस स्थान का संबंध कृषि कार्यों और वैद्य अथवा डॉक्टर से। इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव से आपको करियर में आगे बढ़ने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, साथ ही आपके पिता को भी तरक्की के लिए कोशिशें करनी होंगी। कृषि संबंधी कार्य करते हैं तो कोई भी फैसला अनुभवी की राय से लीजिए। इसके अलावा वैद्य या डॉक्टर्स को अपने काम में सावधानी बरतने की जरूरत है, जो इस राशि वाले डॉक्टर्स। अतः चंद्र ग्रहण के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए और शुभ प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए आपको ग्रहण के बाद नियमित रूप से 7 दिन तक हनुमान जी के दर्शन सुबह करने चाहिए। कन्या राशि वालों, ये ग्रहण आपके नवें स्थान पर लगा है और कुंडली में नवा स्थान आपके भाग्य का स्थान है। इस स्थान का संबंध गुरु, दान, धर्म, तीर्थ यात्रा और इसके उत्तरार्ध का संबंध पिता से भी, साथ ही विज्ञान, बुद्धि, भविष्य और आपके आहार से भी स्थान संबंध रखता है, भाग्य से संबंध रखता है। इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव से आपको भाग्य का शुभ फल जरूर मिलेगा। विज्ञान से जुड़े लोगों को विशेष तौर पर अपनी मेहनत का फल मिलेगा। गुरु और पिता से सहयोग मिलेगा। दान धर्म के कार्यों में सहयोग देने से शुभ फल मिलेंगे। तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं। बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी होगी। भविष्य उज्ज्वल रहेगा। संतुलित आहार आपकी सेहत को ठीक रखेगा। चंद्र ग्रहण के शुभ फलों को पाने के लिए आपको द्वादश ज्योतिर्लिंग की उपासना करनी चाहिए। तुला राशि वालों, ये ग्रहण आपके 8वें स्थान पर लगा है और कुंडली में 8वां स्थान आपकी आयु और आपके स्वास्थ्य से संबंध रखता है। ये चंद्र ग्रहण आपके लिए अच्छा रहेगा। चंद्र ग्रहण के प्रभाव से आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। आपकी आयु में बढ़ोतरी होगी। अतः चंद्र ग्रहण के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए आपको माता गायत्री को स्मरण करना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों, ये ग्रहण आपके 7वें स्थान पर लगा है और कुंडली में 7वां स्थान आपके वैवाहिक जीवन, जीवन साथी, पड़ोसियों और आपके व्यवहार से संबंध रखता है। साथ ही व्यापार में भागीदारी और कर्ज से भी 7वें स्थान का संबंध है। इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव से जीवन साथी से अनबन हो सकती है। आपके वैवाहिक जीवन में कोई तीसरा व्यक्ति मुश्किलें खड़ी कर सकता है। ऐसे लोगों से सावधान रहें। आप साझेदारी में काम कर रहे हैं तो आपकी भागीदारी बढ़ सकती है। पैसों के मामले में सतर्कता बरतनी चाहिए। काम बढ़ाने के लिए कर्ज लेना पड़ सकता है। आपको इस दौरान सबके साथ अच्छा व्यवहार बनाकर रखना चाहिए। चंद्र ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए और शुभ प्रभावों को सुनिश्चित करने के लिए आपको सूर्यदेव की उपासना करनी चाहिए, गायत्री मंत्र पढ़ना चाहिए। धनु राशि वालों, ये ग्रहण आपके 6ठे स्थान पर लगा है और कुंडली में 6ठा स्थान मित्र, शत्रु, रोग, भाईचारे, नौकर आदि से संबंध रखता है। इस ग्रहण के प्रभाव से आपको दोस्तों का पूरा सहयोग मिलेगा। साथ ही शत्रु आपसे दूरी बनाकर रखेंगे। घर या ऑफिस में आपके नौकर आपके प्रति वफादार रहेंगे। अतः इस ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचने और शुभ प्रभाव प्राप्त करने के लिए आपको गायत्री मंत्र का जाप पूरे ग्रहण के टाइम करना चाहिए। मकर राशि वालों, ये ग्रहण आपके 5वें स्थान पर लगा है और कुंडली में 5वां स्थान जीवन में विद्या, गुरु, विवेक, रोमांस, ऐश्वर्य, कला, मंत्र, यंत्र, योग, न्याय, जासूसी और संतान से संबंध रखता है। इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव से आपको विद्या का पूरा लाभ मिलेगा। गुरु आपके हर कदम पर आपके साथ होंगे। विवेक बना रहेगा। रोमांस के मामले में भी आप आगे रहेंगे। कला के क्षेत्र में मेहनत से लाभ कमाएंगे। ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। कानूनी मामलों में भी चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। संतान से हर तरह का लाभ मिलेगा। जो लोग जासूसी से संबंधित काम करते हैं उन्हें हर तरह से मदद मिलने की उम्मीद है। अतः चंद्र ग्रहण के शुभ फल पाने के लिए आपको जगत जननी पराम्बा भगवती दुर्गा का ध्यान करना चाहिए और ग्रहण के दौरान दुर्गा जी का कोई मंत्र पढ़ना चाहिए। कुंभ राशि वालों, ये ग्रहण आपके 4थे स्थान पर लगा है और कुंडली में 4था स्थान माता, भूमि, भवन, वाहन, पशु से संबंध रखता है। साथ ही इस स्थान का संबंध आपके स्वभाव और बुढ़ापे से भी है। अगर आप बुजुर्ग हैं तो आपके लिए ये ग्रहण काफ़ी अच्छा है। इस दौरान किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। माता से लगाव बना रहेगा। आपको भूमि, भवन और वाहन का लाभ मिलेगा। जिनके घर में पशु आदि हैं उन पर भी ग्रहण का सकारात्मक प्रभाव दिखाई देगा। अतः चंद्र ग्रहण के शुभ फल बनाए रखने के लिए आपको माता भुवनेश्वरी की उपासना करनी चाहिए और ग्रहण के दौरान माता भुवनेश्वरी का एकाक्षरी मंत्र ह्रीं या पूरा मंत्र पढ़ लिए ह्रीं भुवनेश्वरी नमः ऐसे मंत्र जाप करना चाहिए।
मीन राशि वालों, ये ग्रहण आपके तीसरे स्थान पर लगा है और कुंडली में तीसरा स्थान भाई बहनों आपकी अभिव्यक्ति, पढ़ाई लिखाई, नृत्य और गायन कला के साथ ही आपके पराक्रम से और दूरभाष तथा फैक्स के काम से भी संबंध रखता है। इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव से आपको भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। किसी के सामने अपनी बात रखने के लिए समय ठीक है। आपके पराक्रम से लोग प्रभावित होंगे, पढ़ाई लिखाई में भी आप आगे रहेंगे। जो लोग गायन से या नृत्य कला से जुड़े हैं उनके लिए भी ये ग्रहण शुभ फल देने वाला है। अतः चंद्र ग्रहण के शुभ फल बनाए रखने के लिए आपको श्री गणेश भगवान की आराधना करनी चाहिए। ये सारी चर्चा थी आज मानदेय चंद्र ग्रहण के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का उचित फायदा जरूर उठाएंगे।